हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुगल अम्पायर में या मुगल कोर्ट में किस तरीके के टाइटल्स दिए जाते थे, किस तरीके के गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे, किस तरीके का आपका कंडक्ट होता था, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो किया जाता था, क्या प्रोसीजर था, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत कर खत्म करी थी। आज वहीं से हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुगल हाउस होल्ड। आज की तारीख में हम लोग ये देखेंगे, आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि मुगल्स का जो अपना पर्सनल लाइफ थी, जो उनका हाउस होल्ड था वो किस तरीके से चलता था, उनका घर, उनके घर के बारे में कुछ पर्टिकुलर फीचर्स वगैरह हम लोग जानेंगे, उसमें क्या हायरार्की थी, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, इन सारी बातों को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है द इम्पीरियल हाउस होल्ड, या फिर आपका जो शाही परिवार है उसका घर कैसा था, बादशाह जहाँ रहते थे उसके नियम कायदे, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। तो मुगल हाउस होल्ड या फिर जो आपका डोमेस्टिक वर्ल्ड है मुगल्स का, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है क्रॉनिकल्स में, उसका नाम है हरम। बादशाह का जो घर था या फिर जहां बादशाह रहा करते थे उस जगह को बोला जाता है हरम। अब इस हरम में या फिर इस मुगल हाउस होल्ड में कौन कौन होता था? एक तो आपके खुद के बादशाह, बादशाह के अलावा एम्परर की जितनी बीवियां हैं या जो वाइफ्स हैं वो सब, उनकी जो कॉन्क्यूबाइंस हैं वो, इनके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं और इनकी जो फीमेल सर्वेंट्स और स्लेव्स हैं वो सब के सब जो हैं इसमें इस हाउस होल्ड में रहा करते थे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो मुगल हाउस होल्ड है, जैसे हम लोगों का आज का जो अपना फैमिली स्ट्रक्चर है कि आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ही जनरली साथ रहते हैं, इस तरीके का नहीं था। जब मुगल हाउस होल्ड की बात की जाती है, जब रॉयल हाउस होल्ड की बात की जाती है, शाही घर की बात की जाती है, तो उसमें सबसे पहले तो आपके बादशाह, दूसरा बादशाह की बेगम्स एंड उनकी कॉन्क्यूबाइंस, तीसरा उनके रिलेटिव्स, चौथा उनके जितने भी आपके सर्वेंट्स और स्लेव्स होते हैं, इन सबको जो है शामिल किया जाता था। अब यहां पर जैसे कि आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि एम्परर की एक से ज्यादा वाइफ्स थीं और काफी ज्यादा जो है उनका नंबर हुआ करता था, तो यहां से एक बात क्लियर है कि उस जमाने में रूलिंग ग्रुप्स की अगर बात कर ली जाए कम से कम, उसमें पॉलीगैमी जो है वो बहुत वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी। बहुपत्नी रखने का जो सिस्टम था सब कॉन्टिनेंट में आपके मिडिवियल एजेस में बहुत कॉमन था। बादशाहों की अगर बात की जाए, चाहे वो किसी भी रूलिंग क्लास से आता हो, वो पॉलीगैमी को प्रैक्टिस किया करता था। ये एक बात क्लियर अपने को समझ में आ रही है। यहां पर आपको एक फोटोग्राफ दिखाई गई है बादशाह के हरम की या उनके मुगल हाउस होल्ड की, तो उसमें उनके साथ उनकी एक मेन वाइफ बैठी हुई है और बाकी उनकी जो दूसरी वाइफ वगैरह हैं वो बैठी हुई हैं साथ में। ये जो खड़ी हुई हैं वो उनकी सर्वेंट हैं और बाकी उनका पूरा आपका लैंडस्केप वगैरह बना के बताया गया। तो इस तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ का एक जो सीन है वो आपको यहां पर समझ में आता है और उसके कुछ एस्पेक्ट्स वगैरह अपने को यहां पर दिखते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब चाहे आप मुगल्स की बात कर लें, चाहे उस वक्त के राजपूत की बात कर लें, जनरली क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये दो ही जो थे वो प्रोमिनेंट आपको क्लैंस वगैरह देखने को मिलती हैं, या तो आपके मुगल्स थे या फिर राजपूत थे। इन दोनों क्लासेस, दोनों की अगर बात कर ली जाए, इन दोनों क्लैंस की अगर बात कर ली जाए, तो इनके लिए मैरिज सिर्फ एक पति पत्नी का रिश्ता भर नहीं था, यानी कि दो लोगों ने शादी करी और दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे, ये रिलेशनशिप सिर्फ इतना ही नहीं था। मैरिज चाहे मुगल्स की बात कर ली जाए, चाहे राजपूत क्लैंस की बात कर ली जाए, दोनों प्रोमिनेंट क्लैंस वगैरह के लिए जो नॉर्थ इंडिया में हावी थे, अपना प्रभाव रखते थे, उनके लिए मैरिज एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को सीमेंट करने का और अलायंसेस बनाने का भी एक जरिया या फिर एक तरीका हुआ करता था। इसको हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेट से कि दो राजा हैं, अब उनकी आपस में जैसे बन नहीं रही है या फिर उनका एक पर्टिकुलर जो जमीन का टुकड़ा है या फिर एक पर्टिकुलर क्षेत्र है उसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है उनका एक, और ये दोनों लेट से जो राजा हैं वो राजपूत हैं, और इनकी इन दोनों की इंडिविजुअली आपस में नहीं बन रही, मगर इन दोनों की मुगलों से भी नहीं बनती और मुगलों से इनको डर है कि वो हमला करके इनकी जो आपकी पूरा का पूरा इनकी किंगडम है उसको, उस पर कब्जा ना कर लें। तो इन्होंने फिर ये किया कि अपने अब जो आपसी मतभेद हैं उसको हटाने के लिए इन्होंने ये किया कि दोनों ने अपने बच्चों की शादी कर दी। इनमें से किसी एक राजा ने अपने राजकुमार की, दूसरे राजा ने अपनी राजकुमारी से शादी कर दी। अब इससे हुआ ये कि दोनों संबंधी हो गए, तो ये जो विवाद चल रहा था कि ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, ये विवाद खत्म हो गया। जिस राजा ने अपनी लड़की की शादी जो आपके जिस राजा के लड़के से करी है, वो ये मान लेगा कि भाई मैंने उसको डाउरी में या फिर दहेज में ये दे दिया। इस तरीके से इनके रिलेशनशिप्स वगैरह जो अभी खराब हो रहे थे, आपस में लड़ाइयां हो सकती थी, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई। इनके बीच में एक अलायंस बन गया, क्योंकि एक रिश्ते रिलेशनशिप बन गया, तो आपस में लड़ने का सवाल नहीं उठता। अब अगर इनके ऊपर मुगलों ने हमला कर दिया तो फिर ये दोनों कंबाइंड तौर पर उससे सामना कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एडवांटेजियस पोजिशन हो जाएगी, अपनी जो आपस में लड़ाइयां हैं वो उनको टाला जा सकता है, अपने विवादों को हटाया जा सकता है, आपके जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं, राजनीतिक रिलेशनशिप्स
को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि अब अगर समधि बन गए हैं तो इस बात का भी अंदेशा नहीं है कि एक दूसरे को धोखा दे देंगे और मुगलों से जा मिलेंगे एंड ऑल दैट। और इस तरीके से आप अपने अलायंसेस वगैरह जो है बनाने में मैरिज का इस्तेमाल किया करते थे। और जैसा कि मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया कि जनरली जब शादी होती थी तो शादी में डाउरी के साथ में जो आपकी डॉटर है उसको टेरिटरी जो है ऑफन गिफ्ट की जाती थी, बाकी सब देते ही देते थे, बट क्योंकि राजा है तो जनरली आप साथ में अपनी टेरिटरी वगैरह जो है वो भी गिफ्ट किया करते थे डाउरी में। और जो जिस राजा की बेटे से शादी हो रही है, जिस राजा के राजकुमार से शादी हो रही है, वो टेरिटरी उसके आपके जो भी उसकी किंगडम है उसका हिस्सा बन जाया करता था। तो ये अब तरीका, अब ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बन गया, एक मैरिज हुई और इसमें एक रिलेशनशिप वगैरह एस्टैब्लिश हो गया। इसने किया ये कि जो आपकी रूलिंग कम्युनिटीज हैं, जो रूलिंग आपकी क्लासेस हैं, उनके बीच में कंटिन्यूइंग हायरार्किकल रिलेशनशिप्स वगैरह को बना दिया। कंटिन्यूइंग हायरार्किकल रिलेशनशिप्स का मतलब यह है कि एक जनरेशन में आपकी शादी हुई है, अब यहां से ये जो जिनकी शादियां हुई हैं उनके और बच्चे होंगे, अब वो बच्चे दोनों आपके जो राजा वगैरह हैं या दोनों जो आपकी रॉयल फैमिलीज हैं उन दोनों के रिलेटिव्स हैं, अब ये जो है आगे बढ़ता चला जाएगा रिलेशनशिप, चाचा मामा ताऊ इस तरीके के रिलेशनशिप्स वगैरह बन जाएंगे। तो आपस में अब ये जो हायरार्किकल रिलेशनशिप्स हो गए हैं, पारिवारिक संबंध हो गए हैं, ये फिर एक जनरेशन से ज्यादा चलेंगे, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, चार जनरेशन, पांच जनरेशन, जितना भी है। उस टाइम पीरियड में अब होगा ये कि रूलिंग ग्रुप्स के बीच में विवाद वगैरह की स्थिति कम रहेगी, ये नहीं रहेगा कि आपस में लड़ रहे हैं और आपस में जो है नाटक हो रहे हैं, या क्योंकि अब एक पर्टिकुलर जनरेशन में आपका भूमि का विवाद था तो वो दो जनरेशन के बाद फिर निकल कर आ गया, बात वही आएगी कि अरे आपन तो आपस में संबंधी हैं, क्यों लड़ाई करी जाए, इस तरीके से कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। इस तरीके से होता यह था कि रूलिंग ग्रुप्स के बीच में कंटिन्यूअस हायरार्किकल रिलेशनशिप बने रहते थे कि आपके यहां तो हमने अपनी बहन की शादी करी थी, आप हमारे बहन के ये एंड ये लगते हैं, आपके यहां तो हमने अपनी बेटी दी थी तो आप तो हमारे संधि हो गए, और ये इस तरीके से बातें कर करके अपने विवादों को नहीं बढ़ने देते थे, हायरार्किकल रिलेशनशिप मेंटेन रखते थे और रूलिंग क्लासेस के बीच में किंगडम्स के बीच में जो पीस है उसको रखा जाता था। इनफैक्ट ये जो मैरिजेस का लिंक था यही एक तरीका, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया था जिसके तहत मुगल्स ने कई सारे आपके राजाओं से, कई सारे आपके लोकल किंगडम्स वगैरह के साथ में रिश्ते वगैरह बनाए, और इन रिश्तों का नतीजा ये निकला कि एक इंपॉर्टेंट, एक पूरा का पूरा आपका एक सिस्टम या फिर एक पूरा का पूरा आपका नेट बन गया इंपॉर्टेंट लोगों का, लॉयल लोगों का, जो एक दूसरे के खिलाफ जो है आपस में अब लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि संबंधी हो गए हैं, बादशाह के खिलाफ गद्दारी करने के बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि बादशाह के संबंधी हो गए। इन सब चीजों की नतीजे में यह हुआ कि एक बहुत आपका स्टेबल अंपायर बनकर खड़ा हो गया, जिसके बारे में अकबर को अब यह चिंता नहीं थी कि अगर मैं लाहौर चला जाऊंगा 13 साल तक मैं वहां पे बैठूंगा और जो नॉर्थ वेस्ट में मेरे फ्रंटियर पे नाटक हो रहे हैं वहां पे अगर मैं सब चीजों को हैंडल कर रहा हूं तो पता चला दिल्ली में बगावत हो गई, वो अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो जो राजा बगावत कर सकते रहे सबकी बेटियों से मैंने शादी कर ली है, अब सबके सब मेरे समधि हो गए, अब अपने ही दामाद के खिलाफ अगर वो ऐसी बगावत कर रहे हैं इसका सेंस नहीं बनता क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बेटी मेरे से ब्याही है। तो इस तरीके से अब जो एक लॉयल्टी आपको बन गई है, ये जो लॉयल्टी है इसके चक्कर में इंश्योर ये हो गया कि आपकी इंटरनल रेबेलियंस नहीं होंगी, अंदर जो है अंदर खाने में लड़ाई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके कारण ये बात जो है कि आपका ये जो मैरिज है इसको पॉलिटिकल रिलेशनशिप सीमेंट करने के लिए, अलायंसेस बनाने के लिए और लॉयल्टी इंश्योर कराने के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये मुगल एंपायर की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा कि अकबर ने जनरली ये आपके मैरिजेस वगैरह कर करके रिलेशनशिप्स वगैरह बनाए। हालांकि औरंगजेब का टाइम आते आते बहुत हरकतें हो गई थी, मगर औरंगजेब का टाइम आते आते अकबर की जो शादियां थी वो रिश्ते अभी तक चले आ रहे थे, तो कई सारे लोग जो बगावतें कर सकते थे उनमें से कई लोगों ने अपनी बगावतें टाली भी, जब एकदम अति हो गई तब किया तो किया, वो एक अलग बात है, मगर जो रिलेशनशिप्स थे इसके चक्कर में हुआ ये कि औरंगजेब का टाइम आते आते लगभग 3-4 पीढ़ियों तक जो है मुगल एंपायर एक स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाया, इंटरनल रेबेलियंस एज सच उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी ज्यादा हो सकती थी और अंपायर को इंस्टेबल कर सकती थी। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मुगल एम्परर की अगर बात की जाए, उनके अगर हाउस होल्ड की बात की जाए, हरम की बात की जाए, तो उसमें काफ़ी सारी वाइफ्स वगैरह थीं और इसके अलावा उनकी कॉन्क्यूबाइंस और दूसरे आपकी फीमेल स्लेव्स और सर्वेंट्स, काफ़ी सारे जो हैं महिलाएं उनके हरम में रहा करती थीं। तो इसमें इनकी जो लीगली वेडेड वाइफ्स वगैरह हैं अगर इनकी बात की जाए, क्योंकि ये पॉलीगैमी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सारी की सारी वाइफ्स वगैरह की भी अगर बात कर ली जाए तो मुगल हाउस होल्ड में इनके बीच में भी जो है डिस्टिंक्शन मेंटेन किया जाता था। वो बादशाह की वो पत्नियां या फिर वो वाइफ्स जो या तो किसी राजा के परिवार से आई हैं, या तो वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, या फिर किसी बहुत बड़े एरिस्टोक्रेटिक परिवार से आई हैं, किसी अमीर उमराव के परिवार से आई हैं, उनका जो पद है या फिर उनकी जो प्रतिष्ठा है वो ज्यादा हुआ करती थी और उनको कहा जाता था बेगम्स। और इसके अलावा अगर बादशाह ने कहीं और शादियां करी हैं और वो जो महिलाएं जिनसे उन्होंने शादियां करी हैं अगर वो या तो राज परिवार से नहीं आती, या फिर अगर उनका जो फैमिली है वो उतना वेल टू डू नहीं है, अगर वो नोबल नहीं है बाय बर्थ, या नोबल शब्द का मतलब क्या बनता है मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा,
फिलहाल इतना समझिए उमर एक नोबल जो है वो एक हाई स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए था। तो अगर आपकी जो वाइफ आ रही है वो बाय बर्थ नोबल नहीं है तो फिर उसको बोला जाता था अघास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तब उसको कहा जाता था अघास। तो ये एक डिस्टिंक्शन जो है आपको देखने के लिए मिलता था कि अगर आपकी जो वाइफ है वो रॉयल फैमिली से अगर आ रही है, रॉयल फैमिली से अगर आई है, किसी राजा की राजकुमारी है या फिर अगर राजा की राजकुमारी है या फिर किसी बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आई है, तब क्या कहलाएंगी, तब उनको कहा जाएगा बेगम्स। और अगर वो इतना वेल टू डू फैमिली से नहीं आती, बाय बर्थ नोबल नहीं है, अगर वो किसी रॉयल परिवार से नहीं आती, तब उनको कहा जाएगा अघास। हर एक जो बेगम है जिससे शादी की गई है, यानी कि जो रॉयल फैमिली से आने वाली या फिर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आने वाली जो लड़कियां हैं जिनसे शादी की गई हैं, हर एक बेगम को शादी करने के पहले काफी सारा मात्रा में आपका कैश और वैल्यूएबल्स वगैरह दिए जाते थे डावर के तौर पर, जिसको मेहर बोला जाता है बादशाह के साथ, क्योंकि आपने शादी करनी है तो आपको निकाह करना पड़ेगा। अब निकाह के पहले जो आपका हस्बैंड होता है वो आपको कुछ मात्रा में पैसे वगैरह और बाकी सारी चीजें देते हैं, वो डावर वगैरह को मेहर बोला जाता है। तो वो मेहर दी जाती थी, उसके बाद में फिर जो है बेगम के साथ में शादी की जाती थी। अब ये आपकी बेगम्स हो गई और बाकी जो दूसरी आपकी वाइफ्स आगाज हो गई। इसके बाद अगला नंबर आता था कॉन्क्यूबाइंस का। कॉन्क्यूबाइंस की अगर बात की जाए तो इनको बोला जाता था अघाचा या फिर लेसर आगा। और आपका जो ये मुगल हाउस होल्ड में जो आपकी वाइफ्स का या फिर जो आपकी वुमेन्स का जो एक हायरार्की बनाई गई है, इसमें सबसे लोएस्ट पोजीशन जो है आपका ये अघाचा जो है ऑक्यूपाई किया करती थी। जितनी भी आपकी फीमेल्स वगैरह इंटीमेटली रिलेटेड है रॉयल्टी के साथ में, बादशाह के साथ में, उसमें ये सबसे लोएस्ट पोजीशन पर आती थी। तो सबसे पहले ऊपर कौन आ रही है, सबसे पहले आ रही है बेगम, बेगम के बाद में अघाज, और अघाज के बाद में ये तीसरा कैटेगरी आ जाता है जिसको बोला जाता था अघाचा। ये अपने को ध्यान में रखना है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर बादशाह जो है अपनी बेगम के साथ में बैठे हुए हैं, अपना पर्सनल लाइफ में वो शायद टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसकी फोटोग्राफ वगैरह बनाई गई है। अब ये जितनी भी बेगम्स वगैरह थी, जितनी भी आपकी अघास थी या फिर अघाचाज वगैरह थी, सबको जो है एक हर महीने के महीने आपका मंथली कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलते थे, कैश में भी दिए जाते थे, साथ में इनको गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते थे और बाकी चीजें भी दी जाती थी इनके स्टेटस के अनुसार। अगर आप बेगम हैं तो फिर आपका पहले से डिटरमाइंड रहता था कि आपको इतना कैश मिलना है हर महीने का, महीने अपने जो भी महीने के खर्चे चलाने हैं, आपको इतना अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे और बाकी सारी चीजें दी जाएंगी। तो एक तो वो हो गया। अगर आप अघास हैं तो फिर अघास के केस में आपको कैश अमाउंट कुछ कम हो जाएगी, आपको जो गिफ्ट्स वगैरह और बाकी चीजें मिल रही हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगी, और अगर आप अघाचाज हैं तो फिर उस केस में और थोड़ा कम हो जाएगी। मगर जो भी है, हर एक जो आपकी बेगम या फिर जो हरम में रहने वाली महिला थी, सबको जो है आपकी मंथली अलाउंसेस दिए जाते थे कैश में, उनको सप्लीमेंट किया जाता था गिफ्ट्स के साथ में, जो भी उनका स्टेटस होता था अकॉर्डिंगली उनको यह चीज मिलती थी। अघा और अघाचाज की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये अपने को आगे फिर देखने के लिए मिलती भी है, कई सारे बादशाहों की लाइफ में ये चीज होती है। अगर हम लोग अघास की बात कर लें या फिर अगर हम लोग अघाचास की बात कर लें, तो इनके पास में ये चांस होता था, ये मौका होता था कि अगर ये चाहें या तो बेगम की पोजीशन तक राइज कर सकती हैं। मगर इसके लिए दो तीन बातें डिपेंड करती हैं। एक तो ये कि इनके हस्बैंड के ऊपर इनका कितना प्रभाव है, बादशाह जो है वो इनसे कितना ज्यादा प्रभावित है, कितना ज्यादा इंप्रेस्ड है, और वो बादशाह के कितना ज्यादा क्लोज है। एक तो ये चीज, यानी कि इनके हस्बैंड के विल के ऊपर ये बात डिपेंड करती है। और दूसरा ये कि पहले से उनकी ऑफिशियली चार वाइफ्स ना हो, बाकी दूसरी जो आपकी वाइफ्स वगैरह उन्हें अगर वो ऑफिशियली चार वाइफ्स की कैटेगरी में नहीं गिनते हैं, और अगर आप को जो है वो आपसे इंप्रेस हैं या फिर आप उनके क्लोज हो, तो उठते 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 आप अघाचा या फिर अघास की कैटेगरी से उठते उठते आप बेगम की कैटेगरी तक आ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखना है कि आपकी बेगम तीन जो आपका कैटेगराइजेशन है, पहला आपका बेगम, दूसरा अघाज और तीसरा अघाचास। इसमें अघाज और अघाचास जो है वो बेगम बन सकती थी, बट डिपेंड करता था कि आपका जो बादशाह है, बादशाह के साथ उनकी क्लोजनेस कितनी ज्यादा है। एंड यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो रोल अदा करती थी वो था लव एंड मदरहुड, कि बादशाह आपसे कितना ज्यादा प्रभावित हैं, आपके कितना ज्यादा क्लोज हैं, एक चीज। और दूसरा, अगर आपने बादशाह को प्रिंसेस वगैरह दिए हैं, प्रिंस यानी कि आपके अगर बेटे अगर आपने दिए हैं, मदरहुड अगर आपका आप इंजॉय करती हैं एंड उसके बाद आप बादशाह को उनके बच्चे देती हैं, उसमें उनको आप बेटे देती हैं, और लेट से बादशाह के पास पहले से राजकुमार वगैरह नहीं थे, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ जाएगी। फिर ये मैटर नहीं करता कि आप अघाज हैं या फिर अघाचाज हैं, फिर आपको बेगम की कैटेगरी तक उठने में आसानी होगी, आपको ये स्टेटस जो है आसानी से मिल जाएगा, आप आराम से जो है लीगली वेडेड वाइफ के स्टेटस तक आसानी से पहुंच पाएंगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसको अपने को ध्यान रखना है।
अब हम लोग बातचीत करेंगे मुगल हाउसहोल्ड में वाइव्स के अलावा जो दूसरी महिलाएं रहा करती थीं उनके बारे में। तो आपकी अगर वाइव्स को आप हटा दें, वाइव्स की किसी भी कैटेगरी को अगर आप ना इंक्लूड करें, ना आप बेगम्स को इंक्लूड करें, ना आप अघास को इंक्लूड करें, ना आप अघाचास को इंक्लूड करें, इनको अगर एक तरफ आप हटा देते हैं, उसके बाद भी मुगल हाउसहोल्ड में काफी सारी आपको महिलाएं देखने को मिलती थी और साथ ही साथ आपको काफी सारे मेल्स भी देखने के लिए मिलते थे। इन वाइव्स को अगर हटा दिया जाए तो इसके अलावा फिर आपके काफी सारे मेल और काफी सारे फीमेल स्लेव्स जो हैं वो मुगल हाउसहोल्ड में आपको देखने के लिए मिलते थे। मुगल हरम और आपका जो आपका रॉयल हाउसहोल्ड होता है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में स्लेव्स वगैरह जो थे उनको रखा गया था। अब इनका काम वही आपके डे टू डे हाउसहोल्ड की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो परफॉर्म करना था। कोई आपकी साफ सफाई का काम करता था, कोई खाना पकाने का काम करता था, कोई किसी का आपका बिस्तर वगैरह ठीक करने का काम करता था कि उसको साफ कर दिया, आपकी बेडशीट्स वगैरह बदल दी इस तरीके से, कोई आपके कपड़े वगैरह धोने का काम कर रहा है, कोई आपका हर एक के लिए एक पर्सनल अटेंडेंट लगा दिया कि वो जो है अगर पर्टिकुलर किसी बेगम को कुछ काम है या कुछ करवाना है, कुछ मंगवाना है तो वो लाके दे रहा है। इस तरीके से जो है आपके अलग अलग आपके मेल और फीमेल स्लेव्स जो हैं काफी सारे न्यूमरस काम वगैरह करने के लिए इनका भी एक बड़ा नंबर आपको मुगल हाउसहोल्ड में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है यूनक्स की। काफी सारे स्लेव यूनक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनको बोला जाता था ख्वाजा सारा। ख्वाजा सरा या फिर जो स्लेव यूनक्स थे वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। जनरली ये होता था कि आपकी बेगम्स हो गई या फिर आपकी आगाज हो गई या फिर अगाचास हो गई, इनके जो हरम के अपने अपने सेक्शंस होते थे इनकी गार्डिंग के लिए, इनके सर्वेंट्स के तौर पर एक्ट करने के लिए ख्वाजा सराज को जो है रखा जाता था। खैर ये सब तो जनरल बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात जो है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तस्वीर देखिए, पहले ये है आपकी नूरजहान जो जहांगीर आपके रहे हैं अकबर के बाद में, शहजादा सलीम और जहांगीर उनकी वाइफ, उनकी शायद आखिरी और चीफ वाइफ थी। तो नूरजहान के टाइम पीरियड से हम लोग ये देखते हैं कि मुगल क्वींस जो और प्रिंसेस वगैरह जो हैं उन वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल वगैरह रखना शुरू करती हैं। इसके पहले तक ये हो रहा था नूरजहान के पहले तक, या नूरजहान के पावरफुल बनने के पहले तक ये हो रहा था कि आपकी जो क्वींस वगैरह थी, आपकी बेगम्स वगैरह थी, आघास थी और बाकी सब जो लोग थे, इनको मंथ के मंथ एक आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा मिल जाता था, उस पैसे को आप खर्चो या फिर आप संभाल के रखो वो आपकी मर्जी है। मगर नूरजहान के टाइम पीरियड से आपको ये इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि जो मुगल क्वींस हैं और शहजादियां हैं ये काफी मात्रा में फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह के ऊपर कंट्रोल रखने लगी। मतलब ये कि अब इनको ये नहीं था कि मतलब आपने महीने के महीने पैसा मिल रहा है, आपको बकायदा यह है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, आपको कुछ रिसोर्सेज वगैरह दिए जाने लगे, आपको कुछ जागीरें मिलने लगी, इस तरीके से काफी मात्रा में फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह इनको दिए जाने लगे। शाहजहां की डॉटर्स की बात की जाए, एक का नाम खासतौर पर जहान आरा और एक का नाम है रोशन आरा। शाहजहां की इन दो डॉटर्स की बात की जाए तो इनको जितना पैसा मिलता था या एनुअल इनकम मिलती थी वो एक मनसबदार के बराबर होती थी। मनसबदार क्या होता है आगे बताऊंगा, बस इतना समझिएगा कि मुगल अंपायर में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर होता था। आपका जो पूरा का पूरा स्टेट है, पूरा का पूरा मुगल अंपायर है, कई सारे सूबों में डिवाइडेड था, कई सारे मनसब में डिवाइडेड था, उनको उनमें से हर एक मनसब को संभालने वाला एक ऑफिसर आपका मनसबदार कहलाता था, बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर होता था। तो आज की उस वक्त में आप जो मनसबदार को जो साल के साल में आपको एनुअल इनकम देनी है लगभग उतनी ही इनकम जो है आप जहान आरा और रोशन आरा आपकी जो शाहजहां की दो जो आपकी शहजादियां हैं जो डॉटर्स हैं इनको आप दिया करते थे। जहां आरा को तो आपका ये जो मंथली मनसबदार आपका जो एनुअल इनकम मनसबदार के तौर पर मिल रही है, इसके अलावा जहां आरा जो है इसको एक चीज और दी जा रही थी, सूरत का जो शहर है गुजरात में जो आपका सूरत का पोर्ट सिटी है, शहर है जहां से आपका व्यापार वगैरह होता है, वहां पर जितना भी आपका रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा हो रहा था पोर्ट सिटी से व्यापार वगैरह में मुगल अंपायर को जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था वो सारा का सारा भी जो है जहां आरा को दिया जा रहा था। तो कुल मिला के नूर जहां के बाद से अपने को एक बात समझ में आना शुरू होती है कि शहजादियों के पास में बेगम्स के पास में भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पैसा इकट्ठा होने लगता है, वेल्थ एक्यूमुलेट होने लगती है और इसके अलावा प्रॉपर्टीज और बाकी सारे रिसोर्सेज वगैरह पर उनका अधिकार या फिर उनका स्वामित्व जो है वो बढ़ने लगता है। इसका नतीजा क्या हुआ, अब ये पैसा क्योंकि इनके पास में बढ़ता चला जा रहा है, चलें पहले तस्वीरें देख लें, ये आपकी रोशन आ रहा है, ये आपकी जहान आ रहा है। जहां आरा को क्या हो रहा है, सूरत वगैरह से भी आपका जो पोर्ट सिटी है उसका टैक्सेस वगैरह भी देने मिल रहे हैं, मनसबदार के बराबर पैसा भी मिल रहा है, रोशन आरा को भी मिल रहा है। तो इन दोनों में ज्यादा अमीर जो थी वो जहां आरा थी। ये जहां आरा है, ये आपकी रोशन आरा है, दोनों की दोनों आपकी बेटियां हैं उनकी, दोनों की दोनों शाहजहां की बेटियां हैं और दोनों को जो है पैसा वगैरह दिया जा रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो इतनी अमाउंट में इनको पैसा मिल रहा है, इतना अमाउंट में जो इन लोगों को रिसोर्सेज वगैरह दिए जा रहे हैं, इतनी अमाउंट में जो इनको चीजें मिल रही हैं, नतीजा ये निकलता है इन रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल होने के कारण आपकी जो ये वुमेन्स इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, जो आपकी बेगमें हैं, ये जो आपकी शहजादियां हैं, ये अब एक चीज शुरू करती हैं कि ये अपने तरफ से बिल्डिंग्स वगैरह और गार्डन्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन को कमीशन करना शुरू करती हैं। यानी कि ये बोलती हैं कि मैं बनवा रही हूं, मेरा आदेश है कि आप जो है इसको बनाकर तैयार करिए, मैं कमीशन कर रही हूं कि आपने ये बनाना है, आप चाहे बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण हो या फिर कंस्ट्रक्शन आपका गार्डन्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो, मैं अपने पैसों पे करवा रही हूं, इसका खर्चा वर्चा मैं दूंगी। इस तरीके से आपने ये रिसोर्सेज वगैरह आने के बाद में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और गार्डन्स वगैरह को कमीशन करना शुरू कर दिया। अब इसमें भी खासतौर पर जहानारा की बात की जाए तो जहानारा जब शाहजहां साहब शाहजहांबाद के नाम से नया कैपिटल बना रहे थे, जिसको हम लोग आज की तारीख में पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, इसमें इन्होंने कई सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स वगैरह जो थे उसमें पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट आपका जो चांदनी चौक का बाजार है वो पूरा का पूरा आपकी जहां आपकी जो ये जहानारा है इनके द्वारा डिजाइन किया हुआ था, इन्होंने बकायदा इसको डिजाइन वगैरह करवा के बनाया था। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि महिलाएं जो हैं खास तौर पे नूरजहान के बाद से अगर देखा जाए आपकी जो रॉयल हाउसहोल्ड की जो महिलाएं हैं वो एक प्रोमिनेंट रोल जो है अदा करने लगी थी आपकी पब्लिक लाइफ में। पर्सनल लाइफ में तो एक प्रोमिनेंट रोल अदा कर ही रही थी, घर में जो आपके पारिवारिक मसले चल रहे थे उसमें उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जब पैसा हाथ में आने लगता है, जब पावर हाथ में आने लगती है, जब रिसोर्सेज हाथ में आने लगते हैं, तो आदमी और भी काफी सारे काम करता है, और सारे काम फिर जो है आपकी इन महिलाओं ने किए। चांदनी चौक पूरा का पूरा जहानारा ने बसा दिया, नूरजहां का जो है आपके मुगल कोर्ट के ऊपर एक बढ़िया कंट्रोल देखने को मिलता था, काफी हद तक मुमताज महल ने भी जो है इस कंट्रोल को शाहजहां के थ्रू एक्सरसाइज किया है। तो कुल मिला के वही है कि यहां से अब हमको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि मुगल हाउसहोल्ड की शहजादियां, मुगल हाउसहोल्ड की प्रोमिनेंट क्वींस जो है वो पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में एक सर्टेन हद तक जो है दखलअंदाजी करने लगी है। इसी को हम लोग आगे फर्दर और बातचीत करेंगे, मगर उसके पहले हम लोग पर्सनल लाइफ में महिलाओं का क्या रोल था या प्रोमिनेंट जो आपकी एल्डर महिलाएं थी उनका क्या रोल था उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो पर्सनल लाइफ में मुगल्स की आपकी जो एल्डर वुमेन्स थी हाउस होल्ड की वो किस तरीके के प्रोमिनेंट रोल अदा करती थी, इसका जिक्र हमको एक किताब में देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा नाम की जो किताब है इसको एक महिला ने लिखा है जिनका नाम था गुलबदन बेगम। ये बाबर जो थे उनकी बेटी थी और इस हिसाब से हुमायूं की जो है बहन बनती हैं। तो हुमायूं की बहन ने हुमायूं की जो किताब है लाइफ स्टोरी उसको लिखा है जिसका नाम है हुमायूं नामा। अब इस हुमायूं नामा में जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इस बात का देखने के लिए मिलता है कि अगर कभी आपके शहजादों में और राजाओं में अगर किसी बात को लेकर टेंशन हो जाती थी, बादशाह के साथ में शहजादों की बन नहीं रही है या फिर शहजादों के मन में भाव आ रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर को जो है उनके ऊपर तर्जी दी जा रही है, या फिर अगर ये डाउट लग रहा है कि मेरी जगह बादशाह के बाद में कोई और जो है बादशाह बन सकता है, इस तरीके के इश्यूज को लेकर टेंशन हो रही है, पावर प्ले जो चलता था, तख्त को लेकर जो सारी मारामारी थी उसको लेकर अगर कुछ इश्यूज वगैरह होते थे तो उसमें कई बार विवाद बन जाते थे। आपका बेटा जो है बाप के खिलाफ खड़ा हो गया, बाप ने बेटे के खिलाफ कुछ जो है सजा वगैरह दे दी, इस तरीके की चीजों में आपकी जो हाउस होल्ड है या फिर आपकी जो घर की महिलाएं हैं खासतौर पे जो एल्डर महिलाएं हैं वो इनमें से काफी सारे कंफ्लिक्ट्स वगैरह को घर के अंदर ही जो है सॉल्व कर लेती थी और वो मैटर जो है बाहर जाने से रोक दिए जाते थे। इस तरीके की चीजें वगैरह जो है गुलबदन बेगम ने जो ये किताब लिखी है आपकी हुमायूं नामा उससे अपने को पता चलता है। अब खैर लिखी तो ओरिजिनल आपकी पर्शियन और दूसरी भाषाओं में गई थी मगर यहां पर हमारे पास उसका इंग्लिश वर्जन है। तो इसमें हुमायूं की कहानी के अलावा उसकी जो आपका मुगल हाउस होल्ड है, रॉयल फैमिलीज वगैरह में अंदर किस तरीके के पावर प्ले चलते थे, किस तरीके की चीजें होती थी, उसके बारे में आपको एक अच्छा अंदाजा मिलता है। ये जो है गुलबदन बेगम है, बाबर की बेटी थी और हुमायूं जो थे उनकी बहन थी, तो इन्होंने जो है इस किताब को लिखकर तैयार किया है। याद रखिएगा सवाल बन सकता है हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो हुमायूं नामा इनकी बहन ने लिखी है। ये मुगल क्रॉनिकल्स में ऑफिशियली ऐसे गिनी नहीं जाती क्योंकि इनको इनकी बहन ने लिखकर तैयार किया था, तो हिस्टोरियंस ये मानकर चलते हैं कि काफी ज्यादा बायस्ड होगी उनके प्रति एंड ऑल दैट, बट फिर भी एक अच्छी किताब है, एक इंटरेस्टिंग किताब है, इसने हमको काफी कुछ जो है मुगल हाउसहोल्ड के बारे में पता चलता है और काफी डिटेल में पता चलता है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टूडेज सेशन। इस सेशन में बेसिकली हम लोगों ने मुगल्स का जो पूरा अंदरूनी घर का माहौल चल रहा था, उनका जो हाउस होल्ड था उसके बारे में बातचीत करी, बेगम्स का जो क्लासिफिकेशन का लेवल है वो देखा, हर एक बेगम को आप क्या क्या चीजें देते थे, क्या क्या रिसोर्सेज देते थे वो देखा, बेगम्स कब और किस पर्टिकुलर बादशाह के टाइम पीरियड से प्रोमिनेंट होने लगी उसके बारे में देखा, कौन सी वो शहजादियां थी जिन्होंने बाकायदा काफी ज्यादा मात्रा में जो है अपना पैसे वगैरह लिए हैं अपने पिताजियों से और उसके बाद में उनका इस्तेमाल कर करके कहां कहां कंस्ट्रक्शन करवाए उसके बारे
में थोड़ी बातचीत करी। लास्ट में हम लोगों ने इस बात के साथ में कंक्लूड किया कि अगर घर के अंदर भीतरघात हो रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, तो फिर उनमें आपके घर की जो एल्डर वुमेन्स हैं वो किस तरीके का रोल अदा करती हैं और उसके बारे में हमको कहां से पता चलता है। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहने वाला है उसमें हम लोग मुगल अंपायर के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बातचीत करेंगे, जिसमें हम लोग मुगल अंपायर के जो ऑफिसर्स वगैरह रहे हैं जो पूरा अंपायर चलाते थे उनके बारे में देखेंगे। अब बादशाह ने तो एक बार बोल दिया हुकुम की तामीर हो, कोई ना कोई तो बैठ के वहां पर तामीर करवाएगा ना उसको। मोदी जी जैसे आए उन्होंने बोल दिया कि आज से 500,000 के नोट बंद, तो अब बंद करवाएगा तो कोई किसी को तो नीचे आपका वो जो हुक्म है वो बजाना पड़ेगा, 500,000 के नोट लेना पड़ेंगे, नए नोट देना पड़ेंगे। तो उसी तरीके से जब बादशाह ने मुगलों के टाइम पीरियड में कह दिया कि भाई आज से ये होगा या फिर आज से ये नहीं होगा, तो उसको एक्चुअल में ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कौन कराता था? बादशाह ने जो हुक्म दे दिया है उसको बजाता कौन था, फिर उसकी तामीर कौन करवाता था बेसिकली, अब इसको इस तरह से कह सकते हैं, वो जवाब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो उसके पहले आई वुड बी कंक्लूडिंग दिस लेक्चर हियर ओनली। अपना बहुत बहुत और बहुत ख्याल रखें, ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें। जाने से पहले एक बात और कि आप लोग हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर विजिट करें, आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का सारा एजुकेशन यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आप जो भी क्लास का एजुकेशन या जिस भी क्लास में आप पढ़ना चाहते हैं बस जाके उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आपने उस क्लास के ऊपर क्लिक किया वैसे ही आपको उस क्लास से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है सारा निकल कर आ जाएगा। अब इस सारे कंटेंट में से जो भी कंटेंट आप देखना चाहते हैं बकायदा बहुत ऑर्डर्ड फैशन में इसको जमाया गया है, बस उसको क्लिक करिए और अपना जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं, नॉलेज गेन करना शुरू कर सकते हैं, एक बेटर इंसान बनना शुरू कर सकते हैं एंड अपने ना सिर्फ एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स को लेकर एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है आप उसमें आगे अपना करियर बनाएं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक आप उसमें जाएं, क्या पता देश को एक बड़ा शानदार हिस्टोरियन मिल जाए। अभी जो मुझे देख रहा हो आगे आने वाले 20 सालों के बाद में जबरदस्त खोज कर दे हिंदुस्तान की, एक नए इतिहास या एक नई दिशा में हमारे हिस्ट्री को मोड़ दे, कुछ भी हो सकता है, यू जस्ट डोंट नो कि जिंदगी कब कहां किस मोड़ पे किस तरह से पलट जाए। बट द पॉइंट इज पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।